हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं ये जानकारी। शरीर में कमजोरी हो तो खाएं 6 प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। क्या आप जानते हैं किन किन चीज़ों में प्रोटीन होता है? नहीं जानते तो पूरी वीडियो में बने रहिए। शरीर में कमजोरी हो तो क्या खाना चाहिए? शरीर कमजोर होना यह एक आम समस्या है जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर का ख्याल न रखना, गलत खान पान, काम में तनाव आदि। यदि आपको शरीर में कमजोरी बनी रहती है तो आपको सही खान पान सेवन करके इस समस्या का उपाय ढूंढना चाहिए, जिससे आप हेल्दी रहें और आपका शरीर दिन भर ऊर्जावान रहे। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि शरीर में कमजोरी होने पर क्या खाना चाहिए ताकि आप एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जी सकें। शरीर में कमजोरी हो तो क्या खाना चाहिए? शरीर में कमजोरी का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 84% वेजिटेरियंस डाइट में प्रोटीन की कमी है। इसके चलते बालों का झड़ना और शरीर में कई तरह की कमजोरी जैसी समस्या देखने को मिलती है। यह आमतौर पर गलत खान पान के चलते हो सकती है। यदि आपको शरीर में कमजोरी हो रही है तो आपको नीचे दिए गए 6 उपाय को आपके द्वारा आजमाना चाहिए। पहली चीज है प्रोटीन युक्त आहार। 6 आहार। आपने आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करना बहुत जरूरी है। दूध, दही, मछली, मीट, अंडे, दालें और टोफू आदि प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है और उन्हें नियमित रूप से तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। कुछ खाद्य पदार्थ आपको उनकी प्रोटीन की मात्रा अनुसार दिए गए हैं। पहला है बादाम। प्रोटीन की मात्रा 100 ग्राम में लगभग 21 ग्राम बादाम बेहतरीन किस्म की फैट के साथ ही भरपूर प्रोटीन से युक्त होता है। रोज रात को बादाम पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उसे खाएं। इसे दूध के साथ लेना भी फायदेमंद हो सकता है। सोयाबीन। प्रोटीन की मात्रा 100 ग्राम में लगभग 50 ग्राम सोयाबीन में प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई और अन्य खनिज पदार्थ होते हैं। जिन लोगों को सोयाबीन पसंद ना हो वे सोया मिल्क भी पी सकते हैं। और मूंग। प्रोटीन की मात्रा 100 ग्राम में लगभग 24 ग्राम मूंग की दाल, इसलिए दाल बनाकर या अंकुरित करके खा सकते हैं। मूंग की दाल में प्रोटीन के साथ ही फाइबर और कैल्शियम भी होता है जो डाइजेशन और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और है दूध। प्रोटीन की मात्रा 1 लीटर दूध में 40 ग्राम। दूध न सिर्फ शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी करता है बल्कि हड्डियों को बेहद मजबूत बनाता है, बल्कि ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। अगर आपका वजन अधिक हो तो लो फैट वाला दूध पिए। अंडे। प्रोटीन की मात्रा 1 अंडे में 6.5 ग्राम सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अंडे में होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि एक स्वस्थ इंसान 1 दिन में 1 अंडा बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के खा सकता है। और है मूंगफली। प्रोटीन की मात्रा 100 ग्राम में करीबन लगभग 26 ग्राम मूंगफली में फैट के अलावा प्रोटीन और फाइबर्स की भरपूर मात्रा होती है। इसकी चिक्की चटनी बनाकर खाना या सब्जियों में डालना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें, रोज प्रोटीन का कितना सेवन करना चाहिए ये आपकी उम्र, वजन और दिनचर्या पर निर्भर करती है। इसके अनुसार ही उचित मात्रा में लें। सही प्रकार के फल और सब्जियाँ। फलों और सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होता है जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देता है। केला, अंगूर, नारंगी, गाजर, ब्रोकोली और पालक जैसे फलों और सब्जियों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, किसमें कितना प्रोटीन होता है। 23% सब्जियों में होता है और 28% बीन्स में होता है। 13% प्रोटीन साबुत अनाज में, 5.5 फलों में होता है। अश्वगंधा। अश्वगंधा एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक में मौलिक औषध के रूप में उपयोग किया जाता है। यह शरीर को ताकत देने में मदद कर सकता है, शरीर की कमजोरी को दूर करने में सहायक हो सकता है। और चौथा है काजू और बादाम। काजू और बादाम में प्रोटीन, विटामिन ए और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। और पाँचवीं चीज़ है हड्डियों के लिए कैल्शियम। दुग्धजन्य पदार्थ, तिल, मखाने और गेहूं आदि में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत प्रदान करने में मदद करता है।
और छठी चीज है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर और आम विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत माने गए हैं और इसे प्राप्त करना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको मदद करेगी और अच्छी लगे तो मित्रों में भी शेयर करना न भूलना और हमारे चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर नए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे हमारे इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।